नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। गोटेगांव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के 98वें दिवस पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आज गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के अवतरण दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान के जन्म उत्सव पर परमहंसी गंगा आश्रम आए हैं, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु और भारतवर्ष के सबसे बड़ी शक्ति हैं। हमारे गुरुदेव ने आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूती प्रदान की है। महाराज जी ने अपने देश के हर वर्ग को आशीर्वाद दिया है, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति, हम पूरे विश्व में राष्ट्रीय शक्ति से जाने जाते हैं, आर्थिक शक्ति से जाने जाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से जाने जाते हैं। महाराज जी ने अपने जीवन में इस आध्यात्मिक शक्ति रक्षा ही नहीं करी, पर इस आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूती दी। वहीं सुरेश पचौरी ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्म गुरु तो हैं ही, साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं, यह हमारा सौभाग्य है। यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारे परम पूज्य गुरु जी पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती के प्राकट्य महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। महाराज जी हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु तो हैं ही, लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं प्रतिवर्ष उनके अवतरण दिवस पर उपस्थित होता हूँ। इसी सिलसिले में आज उपस्थित होकर मैं अपने आपको बहुत सौभाग्य चाहता हूँ। ज्योतिष वर्षे मनोज यादव की रिपोर्ट।